गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ने वाले हार्दिक पटेल आखिरकार बीजेपी में शामिल हो ही गए। गांधीनगर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में हार्दिक पटेल ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत कई और सीनियर नेता मौजूद थे। वहीं बीजेपी में शामिल होते ही हार्दिक पटेल ने राष्ट्रहित की बात शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रहित और प्रदेश हित के साथ अपने राजनीतिक सफर की नई शुरुआत करेंगे। वहीं हार्दिक पटेल के साथ पाटीदार आंदोलन में उनके साथी रहे कई और नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने घर पर पूजा पाठ भी किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए नई शुरुआत होगी। आज सुबह ही उन्होंने ट्वीट किया था कि राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ नया अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। वहीं बीजेपी में शामिल होने के साथ ही हार्दिक ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो कांग्रेस से चुन चुन कर बदला लेंगे। बीजेपी में शामिल होकर हार्दिक पटेल अब गुजरात में कांग्रेस का सफाया करने के मिशन पर काम करेंगे। हार्दिक पटेल ने संकेत दिए हैं कि कांग्रेस के नाखुश नेताओं को वो बीजेपी में लाने पर ध्यान देंगे। ऐसे में आने वाले समय में हार्दिक पटेल कांग्रेस को तगड़ा झटका दे सकते हैं। हार्दिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं एक छोटे सिपाही के तौर पर काम करूंगा। हम हर 10 दिनों में एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें विधायक समेत कांग्रेस से नाखुश लोगों को बीजेपी में शामिल होने के लिए कहेंगे। बता दें हार्दिक पटेल 3 साल तक कांग्रेस में रहे, लेकिन पिछले कई महीनों से उनकी नाराजगी सामने आ रही थी। पार्टी ने उन्हें गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था, बावजूद वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और युवाओं को आगे नहीं बढ़ाने का आरोप लगाते हुए 18 मई को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करें तो पाटीदार समाज का 50 से 55 सीटों पर असर है। कुल 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और हार्दिक पटेल इन सीटों पर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, बीजेपी में शामिल होने से पहले ही उन्होंने ऐलान किया था कि वो पूरे गुजरात में एक अभियान चलाएंगे और हर 10 दिन बाद लोगों से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने की अपील करेंगे। माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने से जहां पार्टी को मजबूती मिलेगी, वहीं कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।